हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही इफ़ेक्टिव नीम फेस क्रीम, जिसके इस्तेमाल से आपके स्किन से सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। नीम हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, जो हमारे स्किन को हेल्थी और प्रॉब्लम फ्री रखने में हेल्प करता है। ये हमारे स्किन से पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और एक्ने हटाता है और हमारे स्किन को ब्राइट एंड ग्लोइंग बनाता है। सबसे पहले नीम क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए नीम लीव्स। थोड़ा सा नीम लीव्स लेकर उसे धोकर मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके पेस्ट बना लीजिए। अब हम इस पेस्ट को छन्नी के मदद से छानेंगे। मैंने बहुत सारे होममेड फेस क्रीम्स ट्राई किए हैं, लेकिन ये नीम फेस क्रीम एक ऐसा क्रीम है जो हमारे स्किन से एक दो नहीं बल्कि लगभग सभी प्रॉब्लम्स दूर करते हैं। तो छनने के बाद हमें मिल गया है हाफ कप नीम जूस। इसमें हमने ऐड किया है हाफ टी स्पून कॉर्नफ्लावर, या कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप आटा भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम इस मिक्सचर को डबल बॉयलर के मदद से हीट करेंगे। तब तक इसको हिलाते रहेंगे जब तक ये एक थिक पेस्ट ना बन जाए। ये देखिए, हीट करने के बाद ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। मुझे इस तरह का कंसिस्टेंसी पसंद है, इसलिए मैं इसे इस तरह थोड़ा लूज ही रखना चाहती हूँ। ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये देखिए, हमारा नीम और कॉर्नफ्लावर का पेस्ट कुछ इस तरह हो जाएगा। अब हम बनाएंगे नीम क्रीम। इसके लिए हम लेंगे 3 टीस्पून नीम का पेस्ट। वीडियो में लगे रहिए। यदि आप मेरे वीडियो में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम ऐड करेंगे इसमें हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट, जो है ग्लिसरीन, हाफ टी स्पून ग्लिसरीन। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून आलमंड ऑयल। यदि आपका स्किन ड्राई है तो आप इसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल के ऑयल भी डाल सकते हो। फिर हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारा क्रीम का बेस, जो है एलोवेरा जेल, 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। उसके बाद हम सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करेंगे जब तक कि एक क्रीमी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। आपको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, सभी इंग्रेडिएंट्स एक साथ ब्लेंड हो जाना है, तभी इसका टेक्सचर क्रीमी बनेगा। ये देखिए, हमारा क्रीमी नीम क्रीम रेडी हो गया है। ट्रस्ट मी गाइस, नीम हमारे स्किन के लिए वरदान है और ये नीम क्रीम हमारे स्किन के सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करेगा। अब देखते हैं इसे कैसे स्टोर करना है। एक क्लीन कंटेनर में ट्रांसफ़र करके इसे रेफ्रिजरेटर में हम 1 वीक तक रख सकते हैं। अब देखते हैं इसे कैसे यूज करना है। सोने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह क्लीन कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा क्रीम लेकर अपने स्किन में जेंटली मसाज करके अपने स्किन पे एब्सॉर्ब करवा दीजिए। 2 या 3 इस्तेमाल से ही आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखाई देगा। तो यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।